वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम। तो गाइस आज की ये जो स्टोरी है काफी मजेदार होने वाली है, सो लेट बी स्टार्ट एंड लर्न इट वेरी समथिंग एक्साइटेड। कहानी का नाम है एक अनोखी कुश्ती प्रतियोगिता। और दोस्तों इस जो स्टोरी का अंदर मेन कैरेक्टर है उसका नाम है दोस्तों विजय सिंह। विजय सिंह एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ताकतवर के साथ साथ दोस्तों ताकत के साथ साथ विजय सिंह के अंदर बुद्धिमत्ता भी बहुत ज़्यादा थी। और दोस्तों विजय सिंह काफ़ी मतलब फेमस था अपने पूरे गांव के अंदर। और विजय सिंह का मतलब अपने कुश्ती के दाव पेट के लिए काफ़ी मशहूर था। फिर दोस्तों एक दिन विजय सिंह अपने एक दुकान के अंदर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए जाता है। और उधर उसके दोस्त कहते हैं बात करने लग जाते हैं भूत के बारे में। फिर उसके बाद जो विजय सिंह है दोस्तों वो कहता है कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर ये भूत नहीं हो सकता क्योंकि मेरी ताकत के सामने ये भूत कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद उसके दोस्त कहते हैं कि अच्छा तो भूत जो है तुम्हें उस भूत घाटी पे मिल जाएंगे, तुम उधर जाके उस भूत को हरा के आओ। फिर उसके बाद दोस्तों अगले दिन विजय सिंह अपनी पूरी तैयारी के साथ भूत की घाटी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोस्तों जाते जाते जाने से पहले दोस्तों उसकी जो एक दादी माँ थी जिसके ऊपर दोस्तों विजय सिंह काफ़ी भरोसा करता था उस दादी माँ के ऊपर, क्योंकि दोस्तों वो जो दादी माँ है हमेशा विजय सिंह को कुछ ऐसी चीज़ देती थी जिससे विजय सिंह को काफ़ी मदद मिली। फिर दोस्तों दादी माँ जो है एक पॉकेट के अंदर दोस्तों विजय सिंह को दे देती है। फिर विजय सिंह जो उस पॉकेट को खोले बिना अपने बैग के अंदर डाल देता है दोस्तों और निकल पड़ता है भूत घाटी के लिए, क्योंकि दोस्तों विजय सिंह को अपनी दादी माँ पे पूरा भरोसा था क्योंकि अगर दादी माँ ने उसे कुछ चीज़ दी होगी तो फिर वो कुछ काम की होगी विजय सिंह। दोस्तों विजय सिंह का जो पूरा गाँव है वो उसे भूत घाटी तक छोड़ने के लिए आता है क्योंकि दोस्तों उनको डर लगता है कि अगर हमारे गांव से एक इतना ताकतवर और बुद्धिमान पहलवान मर जाता है दोस्तों भूत घाटी के अंदर ही तो उनके लिए काफ़ी दुख की बात होगी। फिर दोस्तों विजय सिंह जो है अपनी बहादुरी से दोस्तों उधर चले जाता है और दोस्तों रात में वो उधर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों उधर उसे भूत मिलता है और भूत उसे कहता है विजय सिंह मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इस गाँव के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान पहलवान हो, क्यों ना मैं तुम्हें आज ही इधर मार दूँ। फिर दोस्तों विजय सिंह जो है घबराता नहीं और वो भी कहता है कि चलो भूत हम दोनों एक कुश्ती का प्रतियोगिता करते हैं। और ये वाली जो प्रतियोगिता है इसके साथ बल के साथ साथ बुद्धिमत्ता का भी काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है, तो तुम अपनी बुद्धि लगाना। फिर उसके बाद दोस्तों वो जो भूत है वो कहता है तो चलो प्रतियोगिता शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे एक पत्थर तोड़ के बताओ। फिर दोस्तों प्रतियोगिता जो होती है उसके अंदर दोनों को एक पत्थर को मतलब दोस्तों पूरा ऐसा चूरमा बना देना है उस पत्थर का। और दोस्तों विजय सिंह जो है अपने बैग को रखता है और बैग के अंदर दोस्तों उसे पता चल जाता है कि अंडे रखे हुए, क्योंकि दोस्तों वो जो दादी है वो कुछ काम की चीज़ें देती है विजय सिंह को जो कि उसको हेल्प करती है दोस्तों कुछ भी अगर वो किधर भी जा रहा होगा। फिर दोस्तों विजय सिंह जो है उस अंडे को लेता है और कहता है ये देखो भूत मेरे पास एक मतलब पत्थर है उसके बाद और मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। फिर दोस्तों भूत जो है अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखता नहीं है और दोस्तों विजय सिंह जो अंडे को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और दोस्तों अंडे में से जो ओवल निकलता है दोस्तों वो दोस्तों नीचे गिरता है और भूत को लगता है कि ये जो है मतलब पत्थर की मिट्टी गिर रही है दोस्तों। फिर उसके बाद भूत जो है एक पत्थर लेता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है और दोस्तों भूत से जो है भूत की लाख कोशिशों के बाद भी दोस्तों वो जो पत्थर है वो टूट ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद विजय सिंह कहता है लो भूत तुम तो पहली प्रतियोगिता में ही हार चुके हो। तो दोस्तों विजय सिंह जो है पूरे मतलब प्रतियोगिता को मतलब विजय पा लेता है दोस्तों। फिर उसके बाद भूत वो जो विजय सिंह है उसे कहता है चलो अभी मैं अपने गांव की तरफ प्रस्थान करता हूँ। फिर दोस्तों भूत जो कहता है अरे नहीं नहीं विजय सिंह क्यों ना आज रात के लिए तुम मेरे ही घर मतलब मेरे ही एरिया में रुक जाओ। फिर दोस्तों विजय सिंह जो है कहता है ठीक है मैं आज रात के लिए तुम्हारे ही घर के अंदर सो जाता हूँ। पर दोस्तों भूत जो है उसे सोने के लिए नहीं उसे अपने घर के अंदर ले जाके मारने की कोशिश के लिए उसे अपने घर के अंदर लेके जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर विजय सिंह अपने गांव में चला गया और तो दोस्तों भूत की जो है बहुत बदनामी हो जाएगी।
कि विजय सिंह ही हमसे भी ताकतवर है भूतों से। फिर दोस्तों भूत विजय सिंह जो है उसके ऊपर डाउट होता है भूत के ऊपर, क्योंकि दोस्तों उसको पता है वो जी भूत वाला जो भूत है उसे ज़रूर उधर मारने के लिए लेके जा रहा होगा। फिर दोस्तों विजय सिंह सोने से पहले अपने बिस्तर के ऊपर दोस्तों मतलब गद्दी रख देता है उसके, मतलब जो भी उसका तकिया वगैरह रहता है उसे रख देता है आड़े मतलब बेड के ऊपर, और उसके ऊपर से दोस्तों वो रजाई ढक लेता है। फिर दोस्तों विजय सिंह जो है मतलब एक अलमारी के पीछे जाके छुप के देखता है कि अभी ये भूत क्या करने वाला है। फिर दोस्तों भूत जो है एक लकड़ी लेके आता है और दोस्तों उस लकड़ी से विजय सिंह की बेड के ऊपर मारना शुरू कर देता है, और दोस्तों बहुत मारता है। फिर दोस्तों उसे लगता है कि ठीक है अभी तो ये इतनी मार खाने के बाद तो कोई भी आदमी मर जाएगा, तो ये विजय सिंह क्या चीज़ है। फिर दोस्तों उसे लगता है कि विजय सिंह मर चुका है और वो दोस्तों उसके कमरे में वापस जाता है और उधर जाके दोस्तों सो जाता है। फिर दोस्तों विजय सिंह जो है अपने अलमारी के बाहर आता है और देखता है कि क्या भूत सो गया है। फिर दोस्तों भूत के सो जाने के बाद विजय सिंह अपने बिस्तर पर जाके सो जाता है। फिर दोस्तों अगले दिन की सुबह विजय सिंह कहता है क्या भूत तुम्हारे कमरे में तो इतने मच्छर हैं कि उन्होंने मुझे बहुत मतलब काटा। फिर दोस्तों उसके बाद में वो जो भूत है वो हैरान हो जाता है कि इसको जो मैंने मारा था कल रात को ये तो उसको तो लगा कि मुझे कोई मच्छर काट रहा है। फिर दोस्तों भूत भी है दोस्तों बहुत मतलब हैरान हो जाता है और भूत जो है काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी जो एक आदमी आ चुका है जो कि दोस्तों भूत से भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर उसके बाद दोस्तों विजय सिंह जो है अपने गांव वापस जाता है और सबसे पहले उस दादी माँ को शुक्रिया कहता है, क्योंकि दादी माँ ने उसे अंडे दिए थे और अंडे की वजह से ही वो अपनी प्रतियोगिता जीत पाया। फिर उसके बाद दोस्तों विजय सिंह के अंदर पूरे गांव के अंदर दोस्तों विजय सिंह की जय जयकार होने लगी। जो है अपने पूरे गांव में सबसे ताकतवर पहलवान कहलाने लगा। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जाके लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।